Hello friends, today we will discuss UGC NET 2021 Education Shift 2, 3rd December. All the questions with explanations. Question 1. Which of the following term indicates the intent of a qualitative research study? Explanation, prediction, exploration or estimation? इसमें हमें ये बताना है क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लोरेशन और एस्टिमेशन। तो कोई भी जो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी होती है उसमें हम करते हैं एक्सप्लोर, हम ऑब्जर्व करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच लगाते हैं। दिस इज जो फर्स्ट एंड द मेन स्टेप, फर्स्ट एंड मेन स्टेप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज एक्सप्लोरेशन। जनरलाइजेशन नहीं लगाते हैं, एक्सप्लोरेशन इज बेस्ट, एक्सप्लेन करते हैं लेकिन एक्सप्लोरेशन के बाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एक्सप्लोरेशन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ए वेरिएबल विच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ ए रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड इज नोन एज एट्रीब्यूट वेरिएबल, कन्फाउंडिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल और कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पोटेंशियल influences. So the keyword here is potential influencer. Potential influencer. It means ki it threatens the outcome of the study. Aapki research study jo real result hai usko threaten karta hai. तो आपके रिसर्च का एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ पाता, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, या ये वेरिएबल वो होता है जो रिसर्चर के ध्यान में नहीं आता। So the correct answer of this question is option number 2, confounding variable. You have to remember the keyword potential influencer. Now we move to question number 3. A teacher gave a test to 50 students of his class and awarded letter grades A, B, C, D and E to indicate their level of performance in hierarchical order from best to the poorest. Which of the following combinations of scales of measurement has been used? Ordinal and ratio scales, nominal interval scales, nominal and ordinal scales और interval and ratio scales। अब nominal scale तो होगा इसमें क्योंकि जो researcher है वो उसने names लिखे हैं, जैसे letter grades दिए हैं A, B, C, D and E, so nominal is used। क्योंकि जो 50 students के name लिखेगी teacher और उनके roll numbers लिखेगी, names और slash roll numbers, so nominal scale is used। अब now ordinal scale is also used क्योंकि यहाँ पे जो keyword आ रहा है hierarchical, hierarchical means ranking। तो इसमें जो teacher ने क्या किया है कि hierarchical order में लिखा है और उनके जो awarded letter grades हैं उनके नाम दिए A, B, C, D and second is hierarchical order also। grades की भी एक range होती है, depends upon the institution। जैसे कोई A grade दे रहा है 90 प्लस जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं मार्क्स उनको, इस तरह से इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस। अब सो इसका करेक्ट आंसर हुआ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हिस्टोरियन कंडक्ट्स ए रिसर्च स्टडी टू डेवलप ए बायोग्राफी ऑफ ए सोशल रिफॉर्मर एंड पब्लिशेस इट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। The study conducted by him may be called an ethnographic research, phenomenological study, grounded theory or a narrative study। जब भी हम एक बायोग्राफी लिखते हैं या ऑटोबायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, आत्मकथा, मतलब सेल्फ की, ऑटो मीन्स सेल्फ। अब बायोग्राफी जब भी कोई दूसरे इंसान किसी और के बारे में लिखता है तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। और एक होती है नैरेटिव बेस्ड स्टडी, एथनोग्राफिक रिसर्च ये नहीं होगा क्योंकि एथनो का मीन्स कम्युनिटी, ये स्टडी ऑफ ए कम्युनिटी होता है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च भी नहीं होगा, घटनात्मक अध्ययन, ग्राउंडेड थ्योरी भी नहीं होगा, तो ये होगा नैरेटिव स्टडी। क्योंकि इसमें क्या हिस्टोरियन जो इतिहासकार एक सामाजिक सुधारक की जीवनी विकसित करने के लिए एक शोध अध्ययन आयोजित करता है और उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नैरेटिव स्टडी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
The essential element of a distinction between the concepts of pedagogy and andragogy is. अब हमें ये पता होना चाहिए कि पेडागोजी और एंड्रोगोजी दे बोथ, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. अब इसमें अंडर 18 की भी होती है टीचिंग एंड अबव 18 आल्सो, दोनों को हम काउंट कर सकते हैं. एंड्रोगोजी जो पेडागोजी क्या है, पेडागोजी एक्चुअली पेडागोजी इज एक्चुअली इट इज ए जनरल कॉन्सेप्ट, यह है जनरल कॉन्सेप्ट. और एंड्रोगोजी क्या है, एंड्रोगोजी एक्चुअली इट इज ए स्पेसिफिकली आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स. इसमें आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो काफी ज्यादा हो चुकी है कंपेयर टू एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं इस पर आधारित होती है. सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी इज रोल ऑफ प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवेल्युएशन CCIE एंड फीडबैक मैकेनिज्म आर द एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेमेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और प्लेसमेंट टेस्टिंग. अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कीवर्ड इज कॉन्टिन्यूस आर आर. तो कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन जो भी होता है तो हमेशा फॉर्मल होता है इवेल्युएशन. जैसा कि हमें पता है एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये होता है समेटिव इवेल्युएशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग दिस इज समेटिव, एंड असेसमेंट फॉर दिस इज फॉर्मेटिव. इसमें इट इज ए कॉन्टिन्यूस लर्निंग. स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए क्राइटेरिया भी सेट किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. और कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है फॉर्मेटिव लर्निंग में, इसमें हम फीडबैक भी देते हैं. और एक जैसे ऑप्शन दिया प्लेसमेंट डिसीजंस, ये तो होते हैं प्रिडिक्टिव, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. की वर्ड हेयर इज कॉन्टिन्यूस. नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन. अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, जैसे किसी एंट्रेंस टेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है. कॉम्पिटेंसी इज द की वर्ड. तो जब भी कॉम्पिटेंसी की बात की जाएगी तो हमारा ऑप्शन होगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन इज अ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स. इसका मतलब है कि अगर ये क्राइटेरिया कुछ सेट किया गया, उसे आपने पार कर लिया, तो यू आर कॉम्पिटेंट इन इट. यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात की गई है, यानी कि आप एक स्किल लर्न कर चुके हैं या नहीं. क्योंकि क्राइटेरिया सेट कर दिया गया और अगर वो क्राइटेरिया आपने पार कर लिया तो यू आर कॉम्पिटेंट इन इट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. If the lowest score in distribution is increased by a small quantity and the highest one is decreased by the same quantity such that their relative rankings are not changed, then in the new distribution, which of the following measures will not change? Mean, median, mode, variance, quartile, deviation. A mean kya hota hai? Jab bhi aap yahan dhyan mein rakhna hai, aapko mean will remain the same. Mean will remain the same. Median, median hume pata hai. Median kya hota hai? Median is the midpoint. मीडियन क्या है, मिड पॉइंट है. इक्वल स्कोर्स को इंक्रीज किया गया है. और क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है व्हेन यू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर और वाइस वर्सा एंड यू डिवाइड देम इनटू Q1, Q2 एंड Q3 रेंजेस. तो क्वार्टाइल डेविएशन भी सेम रहता है इसका, में मीडियन मीन भी सेम रहेगा, मीडियन भी सेम रहेगा और क्वार्टाइल डेविएशन भी सेम रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी एंड डी. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इज स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैरामीटर. जब हम बात करते हैं एंटायर पॉपुलेशन की तो हम एज्यूम करते हैं पैरामीटर को. सैंपल की भी जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं उन्हें पैरामीटर के बेस के ऊपर ही सैंपल होता है.
अब इसमें हमें देखना है कि पैरामीटर्स की क्या क्या करेक्टर, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, दिस इज रॉन्ग, इट कैन बी प्रैक्टिकली कंप्यूटेड फॉर अ फाइनाइट पॉपुलेशन, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सी, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशंस. किसी गिवन पॉपुलेशन की गिवन कंडीशंस के अंदर पैरामीटर की फिक्स्ड वैल्यू होगी, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट चेंजेस विद द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज रॉन्ग, एंड इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग सैम्पलिंग वेरियंस. So this is also true. So the correct answer options are B, C and E. B, C and E. So the option 1 is correct. Now we move to question number 10. Which of the following statements are true for reliability of a measuring instruments? कौन कौन से instruments statements सही है reliability के बारे में किसी measuring instrument की? It is fixed for a given instrument. This is wrong. Reliability, it is correlation of scores on measuring instrument with themselves, this is true. It varies from sample to samples, this is also true. Its value can vary from minus 1 to 0, तो correlation में होता है minus 1 to plus 1. Reliability जो होती है 0.8 से above होती है, so ऊपर आनी चाहिए. And it is always from 0 to 1, positive होती है हमेशा reliability. It is affected by the size of the sample used for its determination, this is also true. So the correct options are B, C and E. So the correct answer is option number 2, B, C and E. Now we move to question number 11. Which of the following are the key processes in designing an experimental research study? किसी भी experimental research study को design करने की key processes कौन कौन सी है? Manipulation of changes in the outcome, this is wrong. Random assignment of subjects to experimental and control groups, this is absolutely true. Exercising control over extraneous variables, this is also true. Observation of changes in the treatment variable, this is wrong. Random assignment of treatments to groups, this is also true. So the correct options are B, C and E. So the answer is option number B. Option number 2, B, C and E. Now we move to question number 12. Which of the following statements about adult learners help an instructor while developing its andragogy? Learning process is self-directed, independent. Yes, sahi hai. Adult learning ki, this is an important characteristics of adult learning. Previous life experiences have limited role in learning process. This is false. Previous life experiences has an important role. So this is wrong. Desire of self-development to cope with changes in lifestyle and work environment, this is true. What to learn and how to learn is decided by instructors or other authorities, this is wrong. Because this is a self-directed and independent learning. And motivation to learn is guided by desire to enhance self-esteem, self-confidence and recognition, this is true. So the correct options are A, C and E. That is, option number 1 is absolutely correct. Now we move to question number 13. What is not said may be more meaningful than what is said is an idea that led to the development of. जो नहीं कहा गया वह कहे गए की तुलना में अधिक सार्थक हो सकता है, एक विचार है जिसके कारण विकास हुआ. Flanders interactional analysis of teaching behavior, Guilford's structure of intellect mode of intelligence, Galloway's system of interaction और Piaget's theory of cognitive development. This is important of idea that led to the development of Galloway's system of interaction analysis of, क्योंकि इसमें जो कह रहा है कि verbal behavior is not important, जो Galloway system था verbal behavior is not important. That's why what is not said may be more meaningful than what is said. Now we move to next question. Before gathering data for his research, an investigator asks himself the following questions. What should be the right answer of answering these questions? How will data be collected? How will the sample of subjects be selected? What information will be collected? Who will be the subjects to give information? So the sequence, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what information will be collected. Sampling, पहले researcher को यह पता होना चाहिए कि वो क्या collect करने जा रहा है. So the first step is what information will be collected. फिर यहां पर पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है. हु विल बी द सब्जेक्ट्स ऑफ टू गिव इंफॉर्मेशन, मेरा सैंपल कौन सा होगा, सैंपलिंग टेक्निक कौन सी होगी, देन व्हाट विल बी द सैंपल ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड, देन
बी एंड उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, हाउ विल डेटा बी कलेक्टेड. सो द करेक्ट ऑप्शन आर सी डी बी एंड ई, बी एंड ए, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. The steps involved in the pedagogical analysis of syllabus of a teaching subject are listed below. Formulation of instructional objectives and stating them in behavioral terms. Selection of teaching method, classroom activities and needed equipment. Content analysis of subject matter in terms of units, subunits, concepts and subconcepts. Choice of appropriate method of evaluation of learning outcomes. सबसे पहले जो step है वो है content analysis. So the first step is content analysis of the subject matter in terms of units, subunits, concepts and subconcept. This is the step first. Then second step is the formulation of instructional objectives and stating them in behavioral terms. सबसे पहले जो subject को पढ़ाना है और उसको breakdown करना होगा, क्या units, subunits हैं, ये होगा content analysis में. उसके बाद planning के अंदर से लिखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे. दिस इज द स्टेप टू. एंड थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एक्टिविटीज एंड नीडेड इक्विपमेंट. कौन से टीचिंग मेथड्स होंगी, क्लासरूम एक्टिविटीज और क्या इक्विपमेंट्स यूज होंगे. उसके बाद मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाना है, उसके बाद होगा इवेल्यूएशन. द लास्ट स्टेप इज चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इवेल्यूएशन एंड लर्निंग आउटकम्स. So the correct sequence is C, A, B and D. So the correct answer of this question is option number 3. Now we move to next question. Match list 1 with list 2. List 1. Purposeful collection of a student's work, samples, self-assessment statements for assessing his progress in learning. This is, ye hoga portfolio mein. Actually this is it, this comes under portfolio. Ye hoga पोर्टफोलियो में. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कोरोबरेटिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सोर्सेस. जब हम डेटा को कोरोबरेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सोर्सेस, दिस कम्स अंडर ट्रायंगुलेशन. डिटेल्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पर्सन्स लाइफ स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स, इट कम्स अंडर बायोग्राफी. A scoring tool that lists the criteria at various levels of quality for assessing a piece of work, this comes under rubric. So the correct answer is rubric. में जो हमें दो या ज्यादा scoring keys दी जाती हैं, more scores. Sorry, कि triangulation में it is from two or more sources and rubric it is a scoring guide. You can say इसको हम कहते हैं scoring guide, rubric. So the correct is first one is portfolio 1-3 and 2 is triangulation 2-1-3 biography, it come C-5, 4 is 2. So इसमें हमारे correct options आ रहे हैं A-3, B-1, C-5 and D-2. This is the correct answer, option 2. Now we move to question number 17. Match list 1 with list 2. Content validity, concurrent validity, predictive validity and construct validity. अब content validity एक content है जिसे आपको learning, जिससे learning material बनाना है. तो content validity होगी the extent to which a test samples the learning material of the curriculum. This is the content validity. क्योंकि इसमें हमें content बनाना है. नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट का की वर्ड है साइकोलॉजिकल एंटिटी या एक एट्रीब्यूट, या आप एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसके आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं. सो कंस्ट्रक्ट का जो की वर्ड आ रहा है साइकोलॉजिकल ट्रेट, एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर सम आइडेंटिफाइड बेसिक. सो डी का है सेकेंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. की वर्ड इज साइकोलॉजिकल ट्रेट. एंड कॉन्करेंट क्या होती है, समथिंग विच इज प्रेजेंट. कॉन्करेंट में समथिंग विच इज प्रेजेंट, कीवर्ड इज प्रेजेंट. डिग्रीज टू विच ए टू टेस्ट स्कोर कोरिलेट विद प्रेजेंटली अवेलेबल क्राइटेरियन. सो दिस इज कॉन्करेंट वैलिडिटी. अब प्रेडिक्टिव क्या गया, प्रेडिक्टिव का मतलब होता है कोरिलेट. इट मीन्स सी का फर्स्ट होगा एक्सटेंट टू विच
द टेस्ट स्कोर्स कोरिलेट विद द क्राइटेरिया. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, कंस्ट्रक्ट का कीवर्ड है. कंस्ट्रक्ट इट्स कीवर्ड इज साइकोलॉजिकल ट्रेट. साइकोलॉजिकल ट्रेट. कॉन्करेंट द कीवर्ड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट. प्रेडिक्टिव कीवर्ड इज कोरिलेट. कंकरेंट प्रेजेंट रिलेटेड होता है और जो प्रेडिक्टिव फ्यूचर रिलेटेड होता है. प्रेडिक्टिव इज फ्यूचर रिलेटेड. और जो कंटेंट है इसमें आपको बताना है कि लर्निंग मटेरियल बनाना है. आपको एक पर्टिकुलर कंटेंट है उसको, उससे भी टेस्ट को जो बनाया और आप चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस मटेरियल इज एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट सैंपल्स द लर्निंग मटेरियल ऑफ द करिकुलम. लर्निंग मटेरियल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 3, बी 4, सी 1 एंड डी 2. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion or reason दिया गया है. Assertion A. In the case of small samples, use of non-parametric statistical tests is recommended for analysis of research data. And reason is the sampling errors are large in case of small samples, due to which parametric tests do not give dependable results. अब ये जो assertion है इसमें कह रहा है कि in case of small samples, use of non-parametrical statistical tests is recommended for analysis of research data. तो यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना है कि एक नए जो parametric test है इसमें small in case of small samples, non-parametric statistical tests is recommended for analysis of research data. Assertion जो है बिल्कुल सही है. अब रीजन इसका क्या है, सैम्पलिंग एरर्स आर लार्ज इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स ड्यू टू विच पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट गिव डिपेंडेबल रिजल्ट्स. अब यहाँ पे हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि एसर्शन में बात कर रहा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की और रीजन दे रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट का. तो एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है. रीजन जो एसर्शन है बिल्कुल सही है और रीजन है गलत है. एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है लेस रिलायबल होता है देन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इट इज यूज्ड इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स, क्योंकि वहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बननी मुश्किल हो जाती है. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये जो रीजन है ये भी है तो सही कि सैंपलिंग एरर्स आर लार्ज इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स ड्यू टू विच पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट गिव डिपेंडेबल रिजल्ट्स. But R is not the correct explanation. R is not the correct explanation of A. Now we move to question number 19. Question number 19 में कर रहा है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं. Investigator commits type 2 error in his research when he rejects null hypothesis when it is true, when he rejects null hypothesis when it is false, when he accepts null hypothesis when it is false, when he accepts null hypothesis when it is true. इसको एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में. Now we will discuss it in detail also. Now first of all we will make the table of the null hypothesis. This is null hypothesis which is depicted by H naught and here decision. Decision about null hypothesis on the, ये हमने टेबल बना ली है. यहाँ पे हम बता रहे हैं true. When null hypothesis true और हम इसको accept कर लेते हैं. Here also we can see, ये हमने लिख लिया accept, this is reject. If null hypothesis is true and we accept it, this is the correct decision. यहाँ हम tick लगा के दिखा रहे हैं and this is called the confidence level or confidence level बोला जाता है इसको, confidence level. And it is depicted by 1 minus alpha. And similarly, when null hypothesis is false and we reject it, this is also the correct decision. And this is, इसकी probability होती है 1 minus beta. अब हम when the null hypothesis is true and we reject it, जब null hypothesis सही है और इसको हम reject कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं type 1 error. This is called type 1 error. And it is depicted by alpha. And it is also called false positive. And when we accept the false null hypothesis,
This is type 2 error and it is depicted by beta and it is called false negative. तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जो टाइप 1 एरर है इट इज कॉल्ड अल्फा एंड फॉल्स पॉजिटिव, वेयर इज टाइप 2 एरर व्हेन वी एक्सेप्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस और व्हेन वी फेल्स टू रिजेक्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर और बीटा एरर एंड इट इज डिपिक्टेड बाय फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स का मतलब होता है कंक्लूजन ड्रॉन इज इनकरेक्ट, कंक्लूजन इज इनकरेक्ट, जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो गलत है. एंड पॉजिटिव मीन्स रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस विच इज डिपिक्टेड बाय एच नॉट, वेयर इज नेगेटिव मीन्स एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस. सो इट इज क्लियर द करेक्ट आंसर इज व्हेन वी एक्सेप्ट्स द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्ट, दिस इज ए टाइप 2 एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. Now we move to next question, that is question number 20. In the process of collecting data for a quantitative research, the following steps are followed in a certain order. Place them in correct order. इसने steps दिए हुए quantitative research के, तो उनको हमें correct sequence पता नहीं है. तो इसमें सबसे पहले जो step होता है वो होता है identify the research instruments. तो हमें जो भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है. दिस इज द स्टेप 1. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद द स्टेप 2 इज सेलेक्ट अ सैंपल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स. उसके बाद क्या करना है कि हमें सैंपल को डिसाइड करना होगा, सैंपलिंग फ्रेम को हम अप्रोच करेंगे. थर्ड इज उसके बाद हम सीकिंग परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से हम परमिशन लेंगे कि हमें कहाँ पे डेटा कलेक्ट करना है. ऑप्शन 4 है अप्रोचिंग द सैम्पलिंग फ्रेम, देन वी अप्रोच द सैम्पलिंग फ्रेम, उसको अप्रोच करेंगे, दिस इज स्टेप 4. एंड स्टेप 5 है एडमिनिस्ट्रिंग द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू सैम्पलिंग यूनिट्स. जो रिसर्च हमने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया है, जैसे कोई भी हमने जो रिसर्च टूल सेलेक्ट किया है, क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू शेड्यूल या जो भी है, केस स्टडीज, देन वी विल अप्लाई टू द सैम्पलिंग यूनिट्स. सबसे पहले एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स. सबसे पहले कि पॉपुलेशन को जो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आपको डिसाइड करना है. उसके बाद आपको सैम्पलिंग जो है सैम्पलिंग मेथड डिसाइड करना है कि आप क्वेश्चनेयर यूज करेंगे या फिर डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे. उसके बाद सीकिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी है. उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम को अप्रोच करना है. और लास्ट में जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमने सेलेक्ट किया उसको एडमिनिस्टर करेंगे. सो द करेक्ट सीक्वेंसेस ए डी सी ई एंड बी, ए डी सी ई एंड बी, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, इट इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is a mandatory requirement to receive grants from University Grants Commission? Shall be a grant in aid institution established by central or state government, recognized by an international quality control body like ISO, accredited by the National Assessment and Accreditation Council. तो सबसे important point ये हम कई बार पहले भी discuss कर चुके हैं, जो mandatory requirement है to receive grants from UGC और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज एक्रेडिटेशन बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, दैट इज नैक. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द स्कोर नीडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन टू गेट एन A+ ग्रेड फ्रॉम नैक. अब नैक ने जैसा कि हमें पता है 7 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि एक इंस्टीट्यूशन जो भी है उसको अगर हायर एजुकेशन A+ ग्रेड देना है. तो यहाँ पे हमें जो बातें ध्यान में रखनी है, A+ ग्रेड के लिए जो नैक ने क्राइटेरिया रखा है वो है 3.01 से लेकर 3.25 तक. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर दिस इज फॉर A ग्रेड और A+ के लिए है 3.26 to 3.50 और A++ के लिए है 3.51 to 4. So the correct answer is
3.62-3.50 for A plus accreditation from NAC. Now we move to question number 23. Which of the theories of leadership explains the crucial relationship between productivity and concerns for employees? अब इसमें बता रहा है कि कौन सी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है क्रूशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कंसर्न्स फॉर एम्प्लॉयज, मैनेजेरियल ग्रिड, फील्ड थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी और ट्रांजैक्शनल थ्योरीज। तो यहाँ पे फील्ड थ्योरी भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो रॉन्ग, ट्रांजेक्शनल इज ऑल्सो। द करेक्ट आंसर इज मैनेजेरियल ग्रिड। नाउ वी विल डिस्कस इट, थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट दिस थ्योरी मैनेजेरियल ग्रिड की जो दी थी, इट इज गिवन बाई आर आर स्टेक एंड जे एस मॉर्टन। द मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी है ये जो है, इसमें क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस पे इट शोज द मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज ए गाइड एज ए ग्रिड विथ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ये देखिए एक ग्रिड बना दिया हमने, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। The axis, it shows the concern for production, concern for production on the x-axis or the horizontal axis, and concern for people on the vertical or y-axis. As you can see in the figure, this is high and this is low. Here also vertical side, this is high and this is low, and this is low, high, again low, high. This is on the x-axis. Now first of all, each axis ranges from 1 to 9. 1 is the lowest and 9 is the highest. Ab isme hum discuss karenge the 5 leadership styles under this theory are as follows. First is 1-9, as you can see in the figure also. This is 1-9. This is the country club. Country club management, it shows high concern for people and low for production. Second is team leader. Team leadership, here it is 9-9. Both you can see. The concern for production is also high and the concern for people is also high. And third is impoverished leadership. It is 1-1, where the concern for people is also low and the concern for production is also low. And one is, here it is 9-1. It is produce or perish leadership. Here the production is high, whereas concern for people is low. And in the center you can see, yahan pe dono jo hain balanced hain. 5-5, this is middle of the road, middle of the road on medium production and medium people. So you can see, as shown in the figure, the model, managerial grid model, is represented as a grid with concern for production on the x-axis and concern for people on the y-axis, and each axis ranges from 1 low to 9 high. So I think this must be clear to all of you. Now we move to next question, that is question number 24. Which of the following points states that concept of the Japanese model of just-in-time model? This is also important. Ye Japanese ne diya tha just-in-time or JIT bhi hum isko bolte hain model. To isme sabse important hai ki minimum time mein jitna order hai utna hi stock banana hai. Agar jaise 10 cheezon ko ऑर्डर दिया तो 10 ही स्टॉक में रखने चाहिए, 20 हमें नहीं रखने हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमें मैन्युफैक्चर करनी होती है हर कंपनी को, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चलता है, चाहिए होता है। उसका रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा और टाइम भी कम लगेगा और अच्छा मटेरियल मिलेगा। दिस इज ए जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम मॉडल। इसको हम JIT मॉडल भी कहते हैं, और इसका एक दो डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं कि इट मींस इम्प्रूवमेंट ऑप्टिमम प्रोसेस एंड प्रोसीजर बाय परस्यूइंग वेट रिडक्शन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम।
with continuous improvement. With continuous improvement. किसी भी प्रोसेस को अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, उसकी डिमांड उसी समय फुलफिल करनी चाहिए. उसको हमको पहले से ही स्टॉक को ज्यादा इकट्ठा करके नहीं रखना है. उस जिस चीज को हमको प्रोसेस करना होता है उसी समय पर हम लेकर आए, जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है उसको एट ए टाइम ही लेके आना है. एंड दिस इज ऑप्टिमम प्रोसेस एंड प्रोसीजर बाय परस्यूइंग वेस्ट रिडक्शन. इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी, इससे इम्प्रूव्ड क्वालिटी, लेस स्पेस इज नीडेड, कम स्पेस की हमें जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज इजी टू हैंडल, इन्वेंट्री को जो हैंडल करना है वो आसान हो जाएगा. रिड्यूस वेस्टेज, ये वेस्टेज को क्या करेगा, वेस्टेज रिडक्शन, वेस्टेज जो होगा कम होगा. जो भी आपकी डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन को स्टॉक करें. जो भी आपको प्रोडक्शन करनी है एट ए टाइम, रॉ मटेरियल को लाने के लिए पहले से स्टॉक मत रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा सामान कम होगा उतना स्पेस कम रहेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज मिनिमाइज टाइम फ्रॉम विद इन प्रोडक्शन टू सप्लाई टू कस्टमर्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जापानीज मॉडल ऑफ जस्ट इन टाइम मॉडल और जीआईटी मॉडल. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. अब ये कह रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है. इसका जो एम्प्लॉयज गेट इरिटेटेड, ये तो डिसएडवांटेज नहीं है. प्रोडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड, दिस इज ऑल्सो नॉट, प्रोडक्टिविटी तो अफेक्ट नहीं होगी. इट इज टाइम टेकिंग, ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें पूरा जो है कि सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, इसमें पेपर वर्क भी बहुत होता है एंड इट इज वेरी, ये लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग. लेटर हैज अ लॉट ऑफ रिस्क, ये भी बिल्कुल गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज इट इज टाइम टेकिंग. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. Among the types of disabilities in our population, which can be found more in terms of its percentage. अब इसमें बता रहा है कि जो भी disabilities दी गई हैं वो percentage के हिसाब से कौन सी disability सबसे ज़्यादा होगी. Mental disability, locomotor disability, hearing disability और visual. अब हमें ये ध्यान में रखना, mental disability होती है 0.2%, locomotor होती है 0.6%, हियरिंग होती है 0.1% एंड विजुअल होती है 1% के करीब. सो द करेक्ट आंसर इज विजुअल डिसेबिलिटी इज द डिसेबिलिटी विच कैन बी फाउंड मोर इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द पीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 2016. जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है इसमें हमें ध्यान में रखना है 21 डिसेबिलिटीज हैं जिनको की रखा गया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28. हाउ आर द नॉर्मल चिल्ड्रन अफेक्टिव इन इंक्लूसिव एजुकेशन. प्रॉपर सोशल एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गेट्स हैम्पर्ड, दिस इज रॉन्ग. डेवलप्ड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द, ये भी गलत है. देयर इंटरेस्ट टू स्टडी अफेक्ट नेगेटिवली, सब नेगेटिव आ रहा है, दीज आर ऑल रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Now we move to question number 29. Which of the following statements represents the meaning of inclusive education? A system of education where the disabled children are given special care, system where the special children are taught by trained professionals, a system where normal children and children with special needs are taught together. Inclusive hota hi hai ki embracing all. Isme ki sab all children are taught under one roof. So this is absolutely correct. The correct answer is option number 3. Now we move to question number 30. As a teacher, which of the following act shall be your prime duty to make education inclusive? एक शिक्षक के रूप में कौन सी कार्य शिक्षा को समावेशी बनाने में आपका प्रमुख कर्तव्य होगा? Plan a lesson effectively, have positive attitudes towards inclusion, identify children with special needs and adapt pedagogy accordingly. This is the most important. क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पहचान कर उसी के अनुसार आपको शिक्षण शास्त्र को अनुकूलित करना होगा. So the correct answer is option number 3.
Now we move to question number 31. Match list A with list 2. Isme types of disability do you see or percentage of disability in India? दिया हुआ यही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही करा था. मेंटल डिसेबिलिटी कितनी है? 0.2%. लोकोमोटर डिसेबिलिटी कितनी है? विजुअल डिसेबिलिटी है 1%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है 0.6% और हियरिंग डिसेबिलिटी है 0.1%. सो द करेक्ट आंसर इज ए का 4, बी A is 3, B 4, C 1 and D 2. So the correct answer is option number B. Now we move to question number 32. Match the list A with list 2 by considering and its founders. अब यहाँ पे हमें match करना है जो theories of management और concepts दिए हुए हैं एक तरफ और second में दिए हुए हैं founders का name. अब जैसे हमें पता है मैंने theory X and Y दी थी मैकग्रेगर ने, पीडीसीए प्लान टू चेक एक्ट ये थी, एडवर्ड डेमिंग ने साइकिल दी थी ये एक्शन रिसर्च की, तो ये दिस इज एडवर्ड डेमिंग. सी का है 1, डी का है हमारा 2, ए का है हमारा 3. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ट्रीटेड रकर ने पॉट स्कोर जो बताया था हमने ये है सी का, बी का सॉरी इट्स 4, लूथर गलिक ने दिया था. So the correct answer is option number 3. Now we move to next question, question number 33. Which criteria can be followed to judge the effectiveness of inclusive education? Effectiveness of inclusive education को judge करने के लिए हमें कौन सा criteria रखने हैं? Identification and enrollment of children with special needs, absolutely true. Participation of children with special needs, that is CWSN, children in teaching learning, true. पेरेंट्स गेट रिलीव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो गलत है, इसको हमें क्राइटेरिया को नहीं लेना है. डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज पर देयर पोटेंशियल एब्सोल्युटली ट्रू. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्कूल एक्टिविटीज दिस इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आर ए बी एंड डी. ये ऑप्शन किस में आ रहे हैं अब देखें हम, ए बी एंड डी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड डी. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 34. What are the basic principles of total quality management as a process? Total quality management में क्या है? Customer satisfaction होना चाहिए, this is true. Total employee involvement, this is also true. Salary to employee की बात नहीं हो रही. Effective communication होने चाहिए, fact based decisions होने चाहिए. तो हमें C को eliminate करना है. यहाँ पे एक चीज और आप use कर सकते हैं कि by eliminating C, elimination method use करके you can eliminate option C. तो यहां देखिए सी आ रहा है, इसको आप काट दीजिए, सी वाला कटेगा, ये भी कटेगा. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑन एसर्शन रीजन दिया गया है. एसर्शन ए, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्संस. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट होना चाहिए, इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस चॉइस, इंडिपेंडेंस ऑफ पर्संस एंड रीजन दिया इन इंडिया चाइल्ड हैज द राइट टू गेट एडमिशन टू एनी स्कूल एज पर हिज चॉइस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहां पे क्या कह रहा है कि इंडिया में जो है, भारत में किसी बच्चे को उसकी पसंद के अनुसार स्कूल में प्रवेश लेने का अधिकार है, ये भी सही है. और जो अभी कथन है यानी कि एसर्शन है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अंतर्गत अंतर्निष्ठ प्रतिष्ठा हेतु आदर के सिद्धांतों, व्यक्तिगत स्वायत्तता जिसमें किसी को स्वयं की पसंद बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है पर आधारित है. ये बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Now we move to question number 36. दो statements दिए गए हैं, वह assertion and reason. Assertion क्या कह रहा है? Main concern of a manager is to make profit for his organization. This is true. जो manager यानी कि प्रबंधक की मुख्य चिंता होती है कि संगठन को लाभ पाना है, अपने संगठन को लाभ पहुंचाना. और second में बात हो रही है leader. जो leader है has to work as per people's requirements. जो नेता है वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है.
ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो हमें ध्यान में रखना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पहले तो बात कर रहा है मैनेजर की और वो है इंटरनल, ये आप कह सकते हैं, लीडर की बात हो रही है एक्सटर्नल, और दूसरी बात है कि जो पहले जो अभिकथन या एसर्शन है उसमें मैनेजर की बात कर रहा है, रीजन दे रहा है ये लीडर का, दिस इज रॉन्ग। सो बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड लॉजिकली टू रिक्रूट पीपल, लोगों की भर्ती के लिए किन चरणों का अनुसरण किया जाता है, ये हमें करेक्ट सीक्वेंस पता नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कि जॉब की डिमांड क्या है, तो सर फर्स्ट स्टेप इज जॉब एनालिसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद कि हमें देखना है कि एडवर्टाइजमेंट हम देंगे, तो दिस इज द स्टेप टू। उसके बाद जो है कि हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद कि हमें टीचर चाहिए या फैकल्टी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, उसके बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया, तो दिस इज द थर्ड स्टेप सी। उसके बाद हम करेंगे कि एग्रीमेंट फॉर वर्क और जॉब, दिस इज स्टेप फोर। एंड द लास्ट स्टेप इज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, उसके बाद ही हम उनका जो है कि ओरिएंटेशन या इंडक्शन होगा। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंसेस बी ए सी ई एंड डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। विच टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, भारत में किस प्रकार की उच्च शिक्षा संस्था में छात्रों के नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज ट्रू, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही सबसे ज्यादा छात्रों का नामांकन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। मैचिंग करनी है हमें कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट दिया, कॉन्सेप्ट स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल होता है कि जो मैनेजर है ही कैन कंट्रोल 5 or 6% इफेक्टिवली। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बात हो रही है, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ये बात करता है कि फैसिलिटी एंड लेजर एनहांस वर्क। ब्यूरोक्रेसी बात करता है कि जो है इसमें बात आ जाती है ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्टर वर्क्स एज पर गिवन रूल बुक होती है, क्योंकि तो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, और चेंज मॉडल होता है फ्रीजिंग, मूविंग एंड अनफ्रीजिंग। सो ए 4, बी 3, सी 1 एंड डी 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, द स्टेशन और रीजन। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पीपल एनहांसेस कम्युनिकेशन। अब यहां हमें ध्यान में रखना, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस, तो लोगों के बीच निकटता संचार को बढ़ाती है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और फेस टू कम्युनिकेशन डज नॉट इंश्योर, ये गलत कह रहा है, फेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, A is true but R is false. So correct answer is option number 3. Now we move to question number 41. Attention, perception, language, thought, memory, learning, ये सब क्या हैं? These are all the processes of cognitive processes. ये पहले भी काफी discuss किया हुआ है. So correct answer option number A. 1, that is cognitive processes. Now we move to next question. List 1 and list 2. ये जीन पियाजे का मॉडल हमने पढ़ा हुआ था, उसमें से लिया गया है। SPCF आपको बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर जो स्टेज है इट इज फॉर इन्फेंसी के लिए होती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इट इज फॉर टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है फॉर एलिमेंट्री एंड अर्ली एडोलेसेंस, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इट इज फॉर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। जैसे कि बताया था, दिस इज फॉर बर्थ टू 2 years, 2 to 7, 7 to 11, 11 एंड अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, A 3, B 2, C 1 एंड D 4।
A3, B2, C1 and D4. Now we move to question number 43. Which of among the following statements are correct? This means कौन-कौन से statements correct है? Mental health is a part of mental hygiene. This is true. Mental health जो क्या है? Health ये mental hygiene का ही part है. This is a part of mental hygiene. This is absolutely true. Mental hygiene prevents an individual from psychosis. ये बिल्कुल सही है. मानसिक स्वच्छता एक व्यक्ति को मनो विकृति से बचाती है. Mental hygiene promotes neurosis. This is wrong. Mental hygiene neurosis को promote नहीं करती है. And mental hygiene helps in treating mental disorders. मानसिक स्वास्थ्य मानसिक विकारों के उपचार में सहायता करती है. So option C is wrong. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी आपको क्या करना है? एक elimination method लगाना है. Eliminate option C. यहाँ पे C आ रहा है. ये this is wrong, this is wrong, this is also. The correct answer is option 1, A, B and D only are correct. Now question number 44. Among the following, which intelligences are associated with Howard Gardner's theory of multiple intelligence? बहुत आसान है. Linguistic true, musical true, spatial true. Social intelligence is not associated with Howard Gardner's theory of multiple intelligence. Correct answer is option D. A, B और C होती हैं. तो सॉरी, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B. क्योंकि इसमें भी आपको क्या करना है? एलिमिनेट मेथड लगाना है. एलिमिनेशन, एलिमिनेट ऑप्शन D. क्योंकि सोशल इंटेलिजेंस नहीं होती गार्डनर की थ्योरी में. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन D, 2, A, B एंड C ओनली. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 45. द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज क्रिएटेड बाय, इसमें बहुत लोगों ने गलती करी थी कि डेनियल गोलमैन. ये कई बार आपको पहले ही बताया था, लेकिन करेक्ट आंसर है जो टर्म को क्रिएट किया था. इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म वाज क्रिएटेड बाय पीटर सेलेवॉय एंड जॉन मेयर. जो डेनियल गोलमैन ने इन्होंने और इसको फेमस किया था, लेकिन टर्म को जो क्रिएट किया था वो थे पीटर सेलेवॉय एंड जॉन मेयर. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. नाउ मूव टू क्वेश्चन 46. अमंग द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज आर ए पार्ट ऑफ द मेटाकॉग्निटिव कैटेगरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. राइटिंग ए रिफ्लेक्टिव जर्नल, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी. विमर्शी जर्नल लेखन सेल्फ प्रेजिंग नहीं होता. मैग्नेटिक की अपना ही आप प्रेज नहीं करते, अपने को सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है. अवेयरनेस ऑफ सेल्फ लर्निंग स्टाइल होती है. सो ऑप्शन बी नहीं होगा. अब आप इसमें देखिए ऑप्शन बी कहाँ कहाँ आ रहा है. दिस इज ऑल्सो एलिमिनेट मेथड लगाओ. एलिमिनेशन, एलिमिनेट ऑप्शन बी. यहां देखिए बी इज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए सी एंड डी. आप देख रहे हो कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा और यू कैन इजिली फाइंड द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज दैट सिचुएट एक्सपीरियंस एट द कोर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस आर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, cognitive theories of learning, both social and constructive theories of learning. This is also a very important question. Jo experiential theories hain learning ki, that situate experiences at the core of learning process, they are based both on social and constructive theories of learning. So the correct answer is option number 4. Now we move to next question, 48. The process of helping individuals discover and develop their educational, vocational and psychological potentialities. व्यक्तियों को उनकी शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं को खोजने और विकसित करने में मदद की प्रक्रिया. ये तो हो गया आपका गाइडेंस. एंड देयर बाय टू अचीव एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस. और जिससे व्यक्तिगत प्रसन्नता और सामाजिक उपयोगिता की बात कर रहा है, तो यहाँ काउंसलिंग भी आ गई. तो इसका आंसर होगा काउंसलिंग एंड गाइडेंस बोथ. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3. और मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49. एनी काउंसलिंग थ्योरी और प्रैक्टिस दैट इनकॉर्पोरेट्स एंड कंबाइंस डॉक्ट्राइंस फाइंडिंग्स एंड टेक्निक्स सेलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्स थ्योरेटिकल सिस्टम्स. दिस इज वेरी इजी. इट इज कंबाइंस बोथ कह रहा है, डॉक्ट्राइंस फाइंडिंग्स एंड टेक्निक्स. तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज एक्लेक्टिक काउंसलिंग, यानी कि संकलनात्मक उपबोधन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 50. थ्योरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन. यहाँ आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है इसके चॉइस में. आपको की टर्म्स पे ध्यान देना है. यहाँ पे की वर्ड्स, की टर्म्स. साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा है. साइकोडायनेमिक
तो इट एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, यहीं से आप आंसर देख सकते हैं। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, ये क्या कर रहा है, बिहेवियर की बात कर रहा है। तो यू कैन सी द ऑप्शन नंबर 4, इट इज यूज फॉर दोज विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स। रैशनल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, यहां पर क्या बात कर रहा है, अब रियलिटी है, रियलिटी में क्या कह रहा है, फोकस इज ऑन रैशनल की भी चलिए आप बात कर लेते हैं। यहां पे आ रहा है इट इज यूज टू आइडेंटिफाई इरेशनल बिलीफ्स एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स दैट मे लीड टू इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज। एंड लास्ट रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा है, फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग प्रेजेंट रिलेशनशिप्स एंड सर्कमस्टेंसेस और अवॉइडिंग डिस्कशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब इसमें आ जाइए, जो हमारा था फर्स्ट ए का 2B1, सॉरी ए 2B4, C1 एंड D3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें। स्टेटमेंट 1, द करिकुलम प्रिंसिपल्स शुड रिफ्लेक्ट द स्कूल्स वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट पेडागोजी एंड नीड्स। जो पाठ्य चर्चा सिद्धांतों को विचार के मूल्यों परिप्रेक्ष्य शिक्षण विधि और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्टेटमेंट 2, स्कूल्स नीड टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर करिकुलम टू लाइफ एंड एंश्योर इट्स कोहेरेंस। ए गुड करिकुलम शुड नीड्स गुड क्वालिटी रिसोर्सेज। अपनी पाठ्यचर्चा को जीवंत बनाने और इसकी सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को अपेक्षित संसाधनों की पहचान करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बिगिंस विद द कोटेशन फ्रॉम एन एसे टाइटल्ड सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, इसको जो है स्टार्ट होता है कोटेशन से, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। दिस एसे वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, गीजूभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले। दिस वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना है। तो स्टेप 1 इज फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनानी है, उसके बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, देन वी हैव टू मेक ए करिकुलम प्रोडक्ट, देन स्टेप 3 इज टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम। फिर हमें उसे टेस्ट करना है, रिवाइज करना है। फोर्थ इज डिजाइन इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज। फिर हमें इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है, सॉरी फोर्थ इज इम्प्लीमेंट करिकुलम। फिर हमें करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है। और फिफ्थ इज डिजाइन करिकुलम इवेल्युएशन स्ट्रेटजी। सबसे लास्ट में होगा इवेल्युएशन। सो द सीक्वेंस इज ई ए सी बी डी। ई ए सी बी डी इज द करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन इज बेस्ड एक्सप्लिसिटली ऑन द अजम्पशन दैट द कंसर्न्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, those for whom the evaluation is done should be paramount in determining the evaluation issues। ये जो curriculum evaluation model दिया गया stakes का, वो कहता है कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन का stakes model स्पष्ट रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि मूल्यांकन संबंधी मुद्दों के निर्धारण में हितधारकों stakeholders को हम बोलते हैं हितधारक, जिनके लिए मूल्यांकन किया जाता है कि चिंताएं सर्वोपरि होनी चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले संसाधनों की आवश्यकता होती है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, इस्नर मॉडल इज बिल्ट ऑन टू क्लोजली रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स, कॉनोसरशिप और क्रिटिसिज्म। अब इसमें कॉनोसरशिप की बात आ रही है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी को अप्रिशिएट करने का आर्ट, मतलब किसी को appreciate, appreciate, appreciate करने का आर्ट, इसको हम कहते हैं कन्वर्सरशिप। और इसमें जो क्रिटिसिज्म की भी बात कर रहा है कि जो कोई भी, मतलब नेगेटिविटी को भी, नेगेटिविटी को भी कैसे पॉजिटिवली
क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट टू है। तो इसमें भी जो है बात दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि दोनों की कथन सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव। लिस्ट ए दी हुई है और लिस्ट टू दी है। लिस्ट ए में है करिकुलम इवेल्यूशन मॉडल और लिस्ट में किसने दिया, इफेक्टिवनेस मॉडल की बात हो रही है। इफेक्टिवनेस मॉडल दिया था ब्रैडली ने, गोल फ्री मॉडल दिया था श्राइवन ने, फोर लेवल ट्रेनिंग इवेल्यूएशन मॉडल ये दिया था किरकपैट्रिक ने, और काउंटेनेंस मॉडल दिया था स्टेक ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए फाइव, बी टू, सी वन एंड डी फोर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ विच फिलॉसफी। तो इसमें जो हम पहले बात करते हैं आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में तो जो है फिक्स्ड होते हैं कोई भी चीज, तो वो कोई भी क्रिएट कुछ किया ही नहीं जाता उसमें। नेचुरलिज्म जो है ये नेचर की बात करता है, और एक्जिस्टेंशलिज्म जो है कि एक्जिस्टेंस की बात करता है। अब इसमें जो बेसिक फिलॉसफी जो है कि इफ़ द एनवायरनमेंट इज गुड इधर यू अडॉप्ट टू इट, और इफ द एनवायरनमेंट इज नॉट गुड अडॉप्ट द एनवायरनमेंट टू योर नीड। तो ये बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म ही है। जो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग एनवायरनमेंट कहता है। एग्जिस्टेंशलिज्म भी जो है सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। एंड नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। गॉड द ग्रेट गिवर कैन ओपन द होल यूनिवर्स टू अवर गेज इज द नैरो इन द नैरो स्पेस ऑफ ए सिंगल लाइन। इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू। Now we move to next question, question number 58. We have to match list 1 with list 2. List 1 recognizes ideals and beliefs on the basis of experiments. Experiments ki baat kar raha hai, toh this is pragmatism. Recognizes truth, beauty and goodness ki baat aa gayi, toh this is idealism. No clear cut difference between matter and consciousness, toh this is naturalism. And recognizes the inner and immediate realization, this is एग्जिस्टेंशलिज्म। सो ए का है टू, बी वन, सी थ्री एंड डी टू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू सांख्य बोथ स्पिरिट एंड मैटर आर इनफाइनाइट एंड एक्सटर्नल। ये कह रहा है बोथ स्पिरिट एंड मैटर इनफाइनाइट एंड एक्सटर्नल, दिस इज ट्रू। सांख्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों असीमित और भाम्य हैं। उपनिषद डिस्पेल्स इग्नोरेंस एंड टेक्स द पर्सन डिजायरस एंड इमेंसिपेशन नियर गॉड एंड फ्रीज द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। उपनिषद अज्ञान को दूर करता है और मुक्ति कामी व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाता है तथा जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त कराता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। केन इज वन ऑफ द चीफ उपनिषद, दिस इज ऑल्सो ट्रू। शंकराचार्य सपोर्टेड द भक्ति योग गीता, दिस इज रॉन्ग। शंकराचार्य ने सपोर्ट नहीं किया था भक्ति योग गीता को। अकॉर्डिंग टू महायान ए मैन शुड स्ट्राइव फॉर हिज ओन एपेंसिएशन। महायान जो है ये ओन की बात नहीं करता, ये अदर्स की बात करता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए, बी एंड सी। अब ये देखते हैं किसमें दिया है ट्रू, ए बी एंड सी। So the correct option is option number 3. Now we move to next question, that is question number 60. Maharishi Patanjali has spoken about 5 kinds of Chitravritti or mental processes. जो महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार की चित्त वृत्ति का उल्लेख किया है। अब इनको हमें क्रमानुसार यानी कि सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले इन्होंने बात की थी प्रमाणा की, प्रमाणा। प्रमाणा आप समझ लो जैसे कि विच इज करेक्ट नॉलेज। उसके बाद इन्होंने बात की थी विपर्या, विच इज
फॉल्स या इनकरेक्ट नॉलेज और इनकरेक्ट नॉलेज। उसके बाद बात की थी विकल्प की, विकल्पा। विकल्पा में क्या होता है? इल्यूजन यानी कि भ्रम। उसके बाद बात की थी निद्रा, निद्रा मींस स्लीप। उसके बाद बात की थी स्मृति, इट मींस मेमोरी। अब इसे हम देखते हैं सबसे पहला क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप, एनेबल्स टू गेट ट्रू नॉलेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन द नेक्स्ट स्टेप इज फॉल्स नॉलेज, दैट डज नॉट अलाउ टू गेट ट्रू पिक्चर, दिस इज टू। थर्ड इज इन ड्रीम, ये बात आ रही है विकल्प इल्यूजन की। थर्ड, फोर्थ है एब्सेंस ऑफ द कंसेंट ऑब्जेक्ट स्लीप। फिफ्थ इज मेमोरी, यहां आप देखेंगे कीवर्ड्स आपको रिमेंबर करने हैं। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ए ई सी डी एंड बी, ए ई सी डी एंड बी। यहां पे हम देखते हैं दैट इज द ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। अब यहां पे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिस्ट वन को टू से मैच करना। प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विद ए सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। ये होता है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में। सो द ए का हो गया हमारा सीधा फोर। अब यहां पे आ जाए, हमें ये वाला देख लेते हैं पहले, ऑप्शन डी, एंड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTS टू डिलीवर ई एजुकेशन ए मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव मैनर। इसका हो गया हमारा स्वयं प्रभा, तो डी का हो गया हमारा टू। अब ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज इम्पार्टेड थ्रू वर्कशॉप्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग। ये हो गया हमारा बी का थ्री, दिस इज ई यंत्र। ऑप्शन सी प्रोवाइड्स ए फुली इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनवायरमेंट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स कलेक्ट डेटा एंड आंसर क्वेश्चंस टू असेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज अक्वायर्ड इज वर्चुअल लैब्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, ए फोर बी थ्री सी वन एंड डी टू। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 62। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन फाउंडेड बाय हार्वर्ड एंड MIT इन 2012 विच ऑफर्स कोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू लर्न एवरीवेयर। इसका आंसर है एडेक्स, ऑप्शन टू। नाउ मूव टू क्वेश्चन 63। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग स्कूल्स को हमें मैच करना है। ऑप्शन ए लर्निंग हैपन्स व्हेन ए लर्नर ऑब्टेन्स न्यू और चेंज्ड बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस, एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। सो ये होता है बिहेवियरिज्म में। सो द करेक्ट ए का हो गया हमारे पास फाइव ऑप्शन। लर्निंग इज अबाउट इंटरनल कॉग्निटिव, इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यहां आपको ध्यान देना है कॉग्निटिज्म कीवर्ड्स पे, कॉग्निटिव आ रहा है तो ये हो गया कॉग्निटिविज्म। अब थर्ड, फोकस इज ऑन इंडिविजुअल एंड द मेंटल स्ट्रक्चर्स दे पोजेस एंड हाउ दोज स्ट्रक्चर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस नॉलेज स्पीक टू इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंस्ट्रक्शन इज द कीवर्ड। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म। सी का हो गया हमारा वन। अब नाउ फोर्थ, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन देयर नेचुरल डिजायर्स एंड इंक्लिनेशंस टू बी क्रिएटिव टू ग्रो टू लर्न आर हार्नेस्ड रादर देन चेंज्ड और सप्रेस्ड। तो ये हो गया हमारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थ्री, ए फाइव बी थ्री सी फोर एंड डी टू। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। अरेंज द फर्स्ट फाइव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज यूज्ड इन ई लर्निंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो फर्स्ट फाइव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ई लर्निंग में इनको हमें क्रम में आधारित करना है, यानी कि सबसे पहली कौन सी है। सबसे पहले होगी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, दिस इज द फर्स्ट। द वेब पेज इज डिस्प्ले टेक्सचुअल एज वेल एज द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर द लर्नर्स। उसके बाद होगी, सेकेंड होगी हमारी डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर एंड वेब टेक्नोलॉजीज अलाउ लर्नर्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस टू फॉलो लिंक प्रोवाइडेड ऑन द पेजेस। उसके बाद
थर्ड होगी हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग होगी। फोर्थ होगी हमारी ड्रिल एंड प्रैक्टिस होगी। फिफ्थ होगी हमारी, लास्ट में हम देंगे फीडबैक। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ए सी बी डी एंड ई, ए सी बी डी एंड ई ऑप्शन वन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर सिंक्रोनस लर्निंग की बात हो रही है। सिंक्रोनस लर्निंग रेफर्स टू ए लर्निंग इवेंट विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज एंगेज इन लर्निंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस। दिस इज ट्रू, पार्टिसिपेंट्स कैन लर्न इन देयर ओन टाइम एंड शेड्यूल, नहीं है ये तो एसिंक्रोनस हो गया, सो दिस इज रॉन्ग। रियल टाइम फीडबैक फॉर द इंस्ट्रक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सिंक्रोनस इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ये एसिंक्रोनस हो गई। तो हमारे ऑप्शन जो सही है वो है सिंक्रोनस लर्निंग के लिए ए एंड सी, सी एंड ए। ये देखते हैं हम ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now we move to next question, that is question number 66. Which of the following theory support this statement? The teacher should encourage the student to discover their own connections. यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना, connections की बात कर रहा है between seemingly discrete information using different names. Example, Twitter, wikis, blogs, open educational resources. तो options यहाँ पे हमें connectivism की बात हो रही है, not constructivism. Cognitivism is wrong, constructivism is wrong, monistic is wrong. So correct answer option 3, that is connectivism. Connectivism. Now we move to question 67. Which of the following are asynchronous learning platforms? Hamare kaun kaun se Moodle hai, asynchronous learning platform are Moodle and Canvas. So B and D are correct. B and C, sorry, are correct. Option number 2. Now we move to next question, 68. लिस्ट वन में सोशल थ्योरीज दी गई हैं, लिस्ट टू में की फीचर्स दिए हैं। आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में क्या सिंबल्स यूज होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द मेंटल प्रोसेसेस इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। फंक्शनलिज्म में क्या होता है, फंक्शन की बात होती है, एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड फंक्शंस। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है, रिसोर्सेज, कॉम्पिटिशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वन, बी फोर, सी टू एंड डी थ्री, दैट इज ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेयर केयर मॉडल ऑफ डेल नॉर्डिंग्स की हमने बात की है। इसमें एम डी पी सी आपको याद रखना है। एम इज मॉडलिंग होगी, फिर होगा डायलॉग होगा, फिर प्रैक्टिस होगा, और उसके बाद कंफर्मेशन। ओरिजिनलिटी नहीं है, दिस इज नॉट there, so A, B, C and D. So the correct answer is option number 1. Now we move to question number 70. Who coined the term sociological imagination? Sociological imagination jo important hai, this term was coined by Wright Mills. The correct answer is option number 4. Now move to question number 71. The most difficult part in doing cost benefit analysis is to determine the intangible benefits and costs. सबसे जो डिफिकल्ट है पार्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, जो सबसे मुश्किल चीज है वो ये है। और मूव टू क्वेश्चन 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पहले भी आ चुका है। यशपाल कमिटी रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस, में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये होती है, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस होता है, पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस भी होता है, बट दिस इज जो नहीं होता है वो है नीति के प्रभाव का आकलन, दैट इज पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, में क्या एम्फेसिस दिया गया है। व्हाट टू लर्न, व्हेन टू लर्न, वेयर टू लर्न, हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
in NEP 2020. So correct answer is option number 4. Now we move to question 75. De-schooling Society is written by De-schooling Society ko likha tha Ivan Illich ne. Correct answer is option number 1. Now we move to question number 76. Pedagogical content knowledge in the field of teacher education was pushed forward by, यहाँ आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट है ली शुलमैन ने, जो अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान का विचार दिया था ली शुलमैन ने. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 77. द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा सब्स्टिट्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है. SSA, RMSA एंड TE, ये तीनों स्कीम्स आती हैं समग्र शिक्षा के अंदर. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 78. डॉक्टर एक्स टीचर इन स्कूल ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन द क्लासरूम, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट. विद्यालय की एक शिक्षिका डॉक्टर एक्स कक्षा में घटित बातों को प्रभाव को आकलन करने के लिए सदैव कक्षा प्रक्रमों के विश्लेषण हेतु समय निकालती है कि कक्षा में क्या हुआ, क्या कम हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ. तो वो क्या कर रही है, ऑब्वियसली शी इज डूइंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतन परक अध्यापन कर रही है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. अब ये इंपॉर्टेंट है, हमें माइनॉरिटीज एजुकेशन जो सब्जेक्ट और आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मैच करने हैं. एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है दिस इज कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 29, और इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग इन प्राइमरी स्टेज है ये है आर्टिकल आपका 350A. पहले आपको ये देख लेना है राइट टू एजुकेशन 21A है, तो आपके जो है दो ऑप्शंस 21A है, तो दो तो वैसे ही रॉन्ग हो गए. अब यहाँ पे आके आप देखो 21A दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन का सी का 1 है. अब सी 1 है तो यहाँ आप खुद ही देख लेंगे कि दो ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गए. यहाँ पे दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. अब यहाँ सी वन है तो उसके बाद आप और ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ये आता है आपका आर्टिकल 30 के अंदर. आर्टिकल 30 मीन्स डी का 3 है, डी का 3 आ गया, तो आपका है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 80. द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इन NCF 2005 में गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या दिए गए हैं. कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, दिस इज एब्सोल्युटली टू विद्यालय के लेके बाहर जो ज्ञान को जीवन जीने से जोड़ना. एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोट मेथड्स, वो रटन जो रटते हैं पद्धति उसको से अधिकतम की पृथकता सुनिश्चित करना. एब्सोल्युटली टू नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर देखरेख संबंधी मुद्दों द्वारा अनुसूचित अध्यारोही अस्मिता को संबोधित करना. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. एम्फेसिस एग्जामिनेशन, ये तो गलत है, ये नहीं कहता एनसीएफ टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है. तो करेक्ट इज ए बी एंड ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट. तो यहां हम बात कर रहे हैं करेक्ट है हमारा ए बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81. एन इंस्टीट्यूशन विशेष टू अप्लाई फॉर द असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रॉम NAC के लिए कोई संस्था अप्लाई करती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इट शुड फोकस एज पर NAC रिक्वायरमेंट्स, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, दिस इज ट्रू, करिकुलर आस्पेक्ट्स ट्रू, इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स दिस इज रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज ट्रू, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, सॉरी दिस इज रॉन्ग. जो स्टूडेंट सपोर्ट और प्रोग्रेशन है इसको सेलेक्ट करना है. हाँ, तो इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, आंसर है ए बी डी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शंस, ए बी डी एंड ई. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 82. द न्यू पेडागॉजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर ECCE इन NEP 2020 इज फाउंडेशनल, जो नया ऐड करा गया है इसमें 5+3+3+
4, जो नया हमने ये इसमें करा है, ये आप बात कर रहे हैं इसमें फाउंडेशन की, सो द न्यू पेडागॉजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर इन विशेष फॉर ईसीसी इन एनईपी 2020 इज फाउंडेशनल, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 83, परक इज प्रपोज टू बी सेट अप एज ए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स, नेशनल असेसमेंट सेंटर, दिस इज ट्रू। परक को नेशनल असेसमेंट राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 84, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टेकन बाय पॉलिसी मेकर्स यूजिंग रैशनल चॉइस थ्योरी, सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑल द वैल्यू प्रेफरेंस करेंटली एग्जिस्टिंग इन ए सोसाइटी एंड असाइन ईच वैल्यू अ रिलेटिव वेट, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा डिस्कवर ऑल द ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज अवेलेबल टू अकॉम्प्लिश द वैल्यूज, और तीसरा स्टेप होगा नो द टोटल कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑल्टरनेट पॉलिसी, एंड द फोर्थ स्टेप इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज ऑल्सो द मोस्ट एफिशियंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल वैल्यूज। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन्वॉल्व्स ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पर्संस, ये गलत है क्योंकि यहां स्मॉल की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है सोसाइटी की, सो स्मॉल नंबर्स इज नॉट ट्रू। तो ए बी डी एंड ई ये सारे हैं हमारे ट्रू आंसर्स, और वैसे ऑप्शंस में आएगा आपका बी ए डी एंड ई, बी ए डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। Now move to next question, that is question number 85. Arrange the following in the chronological order of formation. में हमें arrange करना, सबसे पहले क्या आया था, वर्धा स्कीम आई थी और बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, दूसरी थी फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, उसके बाद आया था मुदलियार कमीशन, उसके बाद आया था कोठारी कमीशन, और उसके बाद आई थी रोमा मूर्ति रिपोर्ट। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ए ई सी डी एंड बी, ए ई सी डी एंड बी, A, E, C, D and B, that is option number 4 is absolutely correct. Now move to question number 86, list 1 or list 2 को हमें mark करना है, verticals दी हैं higher education के, सबसे पहले आपको इनकी full forms पता होनी चाहिए, NHERC, this National Higher Education रेगुलेशन, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन काउंसिल, तो ये पहले ही इसमें आ गया रेगुलेशन शब्द, तो दिस इज रेगुलेशन। नाक हमें पता है, नेशनल नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, फिर एच ई जी सी है, ये हमें पता है दिस इज हायर एजुकेशन ग्रांट जो काउंसिल है, ग्रांट की बात कर रहा है एच ई जी सी, तो यहाँ जाओ आप, फंडिंग की बात आ गई, नाक में आ गई एक्रेडिटेशन, जी ई सी है जनरल, यानी कि एकेडमिक स्टैंडर्ड को सेट करता है जीईसी, दिस इज जनरल एजुकेशन काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर इज ए टू बी फोर सी वन एंड डी थ्री, that is option number 1 is correct. Now we move to next question, that is question number 87, assertion reason diya hua, assertion kya hai, the regulatory system of higher education should ensure that the distinct function of regulation, accreditation, funding and academic standard setting are done by independent bodies, this is absolutely true. Reason kya diya hai,
This will help to redistribute workload with ever increasing number of institutions. ये कह रहा है कि रीजन ये वैसे सही है, लेकिन ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एसर्शन में कह रहा है कि उच्च शिक्षा की विनियामक तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वतंत्र निकायों द्वारा विनियमन, प्रत्यायन, निधियन और शैक्षणिक मानकों की स्थापना का विशिष्ट कार्य किया जाए। ये तो सही है। तर्क दे रहा है कि संस्थान की सतत वर्तमान संख्या के आधार पर है। सो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सॉरी एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन इज द रिवीजन एंड रीवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स एजुकेशन रेगुलेशन गवर्नमेंट्स इज नेसेसरी। शैक्षणिक संरचना के सभी पक्षों का इसके विनियमन और शासन सही संशोधन और पुनरीक्षकरण आवश्यक है। ये बात सही है, बिल्कुल, दिस इज ट्रू। एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग प्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। शिक्षा प्रणाली को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बात सही है, जो पहले भी थी वो काफ़ी कोई चुनौतियों का अभी भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो है बोथ ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर 89 वी मूव टू। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर एम्ड एट ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड मोर इफेक्टिव फंक्शनिंग कोऑर्डिनेशन लीडरशिप गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स इन द क्लस्टर। ये कहता है कि विद्यालय परिसर गुच्छ का उद्देश्य गुच्छ में विद्यालयों की अधिक संसाधन दक्षता और अधिक प्रभावी कामकाज समन्वय नेतृत्व शासन और प्रबंधन है। बात सही है, दिस इज ट्रू। एंड स्टेटमेंट टू में क्या कह रहा है, कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड। यहाँ पे ध्यान देने वाली है, कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड सिंस द स्कूल लीडर्स टीचर्स स्टूडेंट्स सपोर्टिंग स्टाफ पेरेंट्स एंड लोकल सिटीजन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ग्रुप्ड इन स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर्स ऑब्जेक्टेड टू इट। विद्यालय परिसरों पर कोठारी आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्यालयों के नेताओं, शिक्षकों, छात्रों, सहायक कर्मचारियों, माता पिता और विद्यालय परिसर में समूहित विभिन्न विद्यालयों के स्थानीय नागरिकों के इस पर आपत्ति जताई है। तो स्टेटमेंट जो पहला है सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 90। इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कोविड से रिलेटेड है। कोविड 19 हैज लेड टू पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज टू ऑफर सॉल्यूशंस विच असाइड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कैन पोटेंशियली मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी एनहांस हेल्थ केयर आउटकम्स एंड अवॉइड सर्विस डिसरप्शंस। कोविड 19 ने विध्वंसक प्रौद्योगिकियों के समाधान के लिए संभावित अवसरों का नेतृत्व किया है, जो कि उनके दीर्घकालिक हित से हटकर संभवतः व्यापार निरंतरता बनाए रख सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों को बढ़ा सकते हैं और सेवा अवरोधों को से बच सकते हैं। दिस इज ट्रू। अब स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी विल मेक सर्टेन जॉब्स रिडंडेंट एंड हेंस अप्रोचेस टू स्किलिंग एंड डी स्किलिंग दैट आर बोथ एफिशिएंट एंड एंश्योर क्वालिटी विल बी ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस टू क्रिएट एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट। विध्वंसक प्रौद्योगिकियों कुछ नौकरियों को निरर्थक बना देंगी, इसलिए कुशलन और अकुशलन दोनों सक्षम है और गुणवत्ता, ये स्किलिंग और डी स्किलिंग की बात कर रहा है, और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं का दृष्टिकोण रोजगार रचने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरोत्तर महत्व वाला होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये दो क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन पे आए थे, आपको पता है, इसमें आप पूरा पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के अंडरलाइन करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जैसे पैराग्राफ वन में दिया है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पांच क्वेश्चन इसमें आए हैं पैराग्राफ वन से, तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं। इसको ध्यान से आपको पैराग्राफ को पढ़ना होगा, और उसके बाद आएगा पैराग्राफ नेक्स्ट एक आएगा, उसमें भी पांच क्वेश्चन है, उसको भी आप ध्यान से अगर पढ़ के उसको अंडरलाइन करके ध्यान थोड़ा समय देंगे तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे इजीली। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है, आई थिंक ऑल द क्वेश्चन आर डिस्कस्ड विद एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द एंटी नेट शिफ्ट टू पेपर टू एजुकेशन क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। आई थिंक दिस सेशन मस्ट बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।